आज हम कंपेयर करने वाले हैं iPhone 15 का कैमरा विद ऑल न्यू Google Pixel 9। लेट्स सी हु विंस द रेस। iPhone 15 का प्राइमरी कैमरा लेंस 48 मेगापिक्सल का मिलता है और इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इसके बैक साइड पे मिल जाता है। ऑल्सो इसका फ्रंट कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का ही मिलता है और वहीं पिक्सल ऑफर करता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड इसके फ्रंट में मिलता है 10.5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। सो लेट्स बिगिन द कंपैरिजन। ये है इसकी कुछ प्राइमरी लेंस से इमेजेस। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जो iPhone 15 है ये 24 मेगापिक्सल की प्राइमरी इमेजेस प्रोवाइड करता है, वहीं पिक्सल 12.5 MP की इमेजेस क्लिक करता है। लेकिन आईफोन की सेटिंग्स के अंदर जाके आप इसको 12 मेगापिक्सल पे स्विच कर सकते हो, लेकिन क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपको 24 मेगापिक्सल की मिलती हैं, तो आपको iPhone 15 की फोटोज में मच मोर डिटेल्स मिलेंगी एज कम्पेयर टू पिक्सल। अब यहाँ पे हमारी पहली इमेज आप देख सकते हो, आईफोन की इमेज में डिटेल्स थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है, लेकिन वहीं अगर पिक्सल की बात करूं तो ये थोड़ा सा ज्यादा कलर एक्यूरेट हो जाता है। मतलब भाई आईफोन की इमेजेस अगर आप दूसरे किसी भी फोन के साथ कंपेयर करते हो तो वहां पे आपको ज्यादा नेचुरल साइड मिलती है, लेकिन इस कंपैरिजन में आप साफ देख सकते हो आईफोन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी फील होता है एंड यहाँ पे जो कलर्स हैं ये थोड़े से पंची निकल के आ जाते हैं पिक्सल के सामने। लेकिन यहाँ पे कुछ इमेजेस के अंदर बैक साइड पे हमको काफी ज्यादा ग्लेयरी सी इमेज आ रही थी, वहीं आईफोन हाईलाइट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। अब इस इमेज में आप देख सकते हो मैं पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, नीचे रोड का कलर चाहे पीछे अगर आप ग्रीनरी भी देखते हो, इवन तो ये वाली जो इमेज है पिक्सल ने थोड़ी सी ब्लरी क्लिक करी है, उसके बाद भी ओवरऑल कलर टोन्स बेटर क्लिक की है, वहीं आईफोन ने थोड़ा सा एनहांस कर दिया है इसे। अब इस बेंच वाली इमेज को देखो, पिक्सल ने भाई एज इट इज जैसा था वैसा का वैसा आपके सामने उतार दिया, वहीं आईफोन ने इसको काफी अच्छे तरीके से एनहांस किया है। इवन आप कलर्स देख सकते हो, डार्क कलर्स, पीछे हाई डायनामिक रेंज देख सकते हो, कितनी कमाल की इसने क्लिक करी है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो भाई आपको अच्छी प्रोसेस्ड इमेज चाहिए तो आईफोन ज्यादा बेटर है, वहीं अगर आप नेचुरल साइड ज्यादा प्रेफर करते हो तो पिक्सल ज्यादा बेटर हो जाता है। इवन यहाँ पे आप कुछ मैक्रो शॉट भी देख सकते हो, पिक्सल ने काफी कलर एक्यूरेट रखा है, वहीं आईफोन की इमेजेस में आप ये हाईलाइट देख सकते हो जो की काफी ज्यादा रियलिस्टिक से फील होते हैं। अब यहाँ पे आप स्किन टोन्स देख सकते हो, आईफोन जो है ये थोड़ा सा वार्म साइड पे चला जाता है एंड पिक्सल थोड़ा सा कूलर साइड पे चला जाता है। तो यहाँ पे आप कौन सी स्किन टोन प्रेफर करते हो नीचे कमेंट करो। अब इस इमेज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, आईफोन 15 ने डिटेल्स बहुत अच्छी प्रोवाइड करी हैं, हाइलाइट्स बहुत ही कमाल के एकदम रियलिस्टिक सा फील हो रहा है, वहीं अगर पिक्सल की इमेज देखो तो ये थोड़ा सा सिनेमैटिक साइड पे चली जाती है, पीछे ग्लेयरी इफेक्ट आ रहा है। सेम यहां पे इन प्लांट्स पे भी आप देख सकते हो बहुत ही कमाल का आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों के दोनों फोन। अब इस अल्ट्रा वाइड एंगल इमेज को देखो, यहां पे अगेन पिक्सल ने काफी कलर एक्यूरेट इमेज प्रोवाइड करी है, वहीं भाई आईफोन की प्रोसेसिंग देखो, यहां पे हल्के से पंची कलर्स हैं लेकिन ओवरऑल जो डायनामिक रेंज मिल रही है वो नेक्स्ट लेवल है। एंड हमने काफी अलग अलग तरीके से काफी अलग अलग चीजों की इमेजेस क्लिक की एंड हमको हर बार ज्यादा अच्छी डिटेल्स मिली आईफोन 15 के अंदर। अब इस इमेज में देख सकते हो मैं बेंच पे बैठा हुआ हूँ, सेम यहाँ पे भी आप कलर्स देख सकते हो, कितनी ज्यादा रियलिस्टिक सी इमेज क्लिक करी है इसने। वहीं एप्पल ने यहाँ पे ब्लैक्स को थोड़ा सा ज्यादा डार्क कर दिया है जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्टी इमेज आ रही है एंड कलर्स को हल्का सा बूस्ट करके इसने इमेज में चार चांद लगा दिया। एंड लिटरली मैं इतना ज्यादा सरप्राइज हो रहा हूँ ना, हर बार मैं किसी भी दूसरे फोन को कंपेयर करता हूँ आईफोन के साथ तो ही बार बार रिपीट करता हूँ कि कलर एक्यूरेट है, कलर एक्यूरेट है। यहाँ पे भाई आईफोन को इतनी बुरी तरीके से कलर एक्यूरेसी के मामले में पीछे होते पहली बार देख रहा हूँ। हाउएवर पिक्सल हमेशा से अच्छे फोन्स बनाता रहा है, हमेशा कलर एक्यूरेसी में आगे रहा है एंड ये इस बार भी इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। हालांकि अगर अल्ट्रा वाइड एंगल इमेज की डिटेल्स के बारे में बात करूं तो वहां पे ज्यादा अच्छा निकल के आ जाता है पिक्सल, क्योंकि ऑब्वियसली भाई उसके पास 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस लेवल की प्रोसेसिंग आईफोन कर रहा है वो पिक्सल नहीं कर पा रहा है। अब इस वाली इमेज में आप देख सकते हो जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया है दोनों के दोनों फोन्स ने, लेकिन अगर आप मेरे ऊपर फोकस करते हो तो आपको हल्के हल्के से ग्लेयर से फील होते हैं। वहीं एप्पल ने थोड़ा सा ज्यादा बेटर क्लिक किया है। चलो अब कुछ पोर्ट्रेट्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे गूगल की इमेजेस हमें थोड़ी सी ग्लेयरी सी फील हो रही है, लेकिन जो ओवरऑल बोके इफेक्ट है वो काफी अच्छा है। हालांकि एक चीज मैंने नोटिस करी है, जैसे ही लाइट से थोड़ी बहुत भी छेड़छाड़ हो जाती है, लाइट थोड़ी सी भी कम हो जाती है, आप पेड़ के नीचे चले आते हो या फिर आपके ऊपर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रही है, वहां पे पिक्सल काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है, जैसे इस इमेज में देख सकते हो। इस इमेज में इसने भाई डिटेल्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, बोके इफेक्ट काफी अच्छा दिया है लेकिन भाई स्किन टोन है वो डिटेल्स काफी खत्म सी कर दी है इसने। अब यहाँ पे पिक्सल जितने भी फोटोज क्लिक कर रहा है, ये कुछ कुछ फोटोज तो एप्पल से बहुत ज्यादा अच्छी निकल के आ जा रही है लेकिन कहीं कहीं पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। वहीं अगर आईफोन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये काफी हद तक कंसिस्टेंट है, यानी कि लाइट कम हो ज्यादा हो ऊपर नीचे कुछ भी हो ये अपनी पोस्ट प्रोसेसिंग से इमेज को भाई नेक्स्ट लेवल बना देता है एंड स्पेशली इसका डायनामिक रेंज बहुत ही कमाल का है। अब ये इमेज हमने डायरेक्ट सनलाइट पे क्लिक करी है, अब गूगल ने इतना ज्यादा उसको नेचुरल रखने की कोशिश की है कि भाई वो फोटो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं एप्पल ने सनलाइट को काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है एंड बैकग्राउंड के साथ देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रही है। अब इन दोनों का मैक्सिमम जूम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई पोस्ट प्रोसेसिंग का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। गूगल ने काफी फीके फीके कलर्स वाली इमेज क्लिक करी है, वहीं एप्पल की देखो काफी कॉन्ट्रास्टी शार्प है। हाउएवर पिक्सल के फोटो में डिटेल थोड़ी सी ज्यादा है पर कॉन्ट्रास्टी इमेज होने के कारण एप्पल थोड़ा सा ज्यादा आगे निकल जाता है। अब देखो पिक्सल के अंदर एक एडमी करके फीचर मिल जाता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मैं इसके कुछ फोटोज दिखा दे रहा हूँ। बेसिकली आप अगर दो ही लोगों फोटोज क्लिक करने के लिए और आप चाहते हो एक साथ फोटोज क्लिक करूं, सिंपली आप इस फीचर को यूज करके आराम से फोटोज क्लिक कर सकते हो। अब इस केस में मैंने अपनी ही दो इमेजेस
क्लिक करी है जिसका आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि ये सेपरेट दो इमेजेस भी प्रोवाइड करता है और जो दोनों को मर्ज करके एक फोटो क्लिक करी है उसको भी ये प्रोवाइड करता है। कुछ और फोटोज क्लिक करने की कोशिश करी थी हमने जिसका आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो। चलो बात कर लेते हैं इनके वीडियो कैमरा की। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे आप एकदम क्लियर विनर डिसाइड कर सकते हो। एप्पल ने थोड़ी सी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी इमेज दी है, यहाँ पे आपको सैचुरेशन हल्का सा हाई मिलता है एंड हाईलाइट्स काफी नेक्स्ट लेवल मिलते हैं। वहीं पिक्सल ने बहुत ही ज्यादा कलर्स को वॉश आउट कर दिया है। मतलब ये ऐसा फील हो रहा है यार कि इसमें अभी कलर फिल करना बाकी है। हालांकि इसको आप एडिटिंग में फिक्स कर सकते हो, लेकिन यार मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये नहीं चाहिए कि ये बाद में एडिटिंग करें एंड कलर करेक्शन करते रहें। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो भाई आईफोन क्लियरली विनर हो जाता है। दोनों ही फोन रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 60 4K 30 FPS पे। एंड आई डोंट नो व्हाई पिक्सल का जो आउटपुट था वो इतना ग्लेरी क्यों था, क्योंकि भाई लेंसेज को काफी अच्छे से क्लीन करके हमने ये आउटपुट लिया था। एंड बाय एनी चांस लेंस खराब है तो फिर तो पूरा ही आउटपुट सही नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या सीन है इसके साथ, कहीं कहीं बहुत ज्यादा ग्लेयर फील होता है, कहीं कहीं नहीं फील होता है। दोनों ही फोन में आपको सिनेमैटिक मोड मिल जाता है, यानी कि सिनेमैटिक ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसका आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो और इसका आउटपुट भी सिमिलर ही है। एंड दोनों ही फोन में एक्शन मोड भी मिल जाता है, जिसके अगर स्टेबिलाईजेशन की बात करूं तो वो मच बेटर था आईफोन का एज कम्पेयर टू पिक्सल। एंड ऑल्सो पिक्सल ने 1080p की क्वालिटी प्रोवाइड करी ये स्टेबिलाईजेशन के बाद, वही एप्पल ने 2.8K की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करी, तो यहाँ पे क्लियरली विनर हो जाता है एप्पल। अब ये इनका 2x का कैमरा आउटपुट है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे, अगर आप इन पेड़ पौधों का जो कलर देख रहे हो वहाँ पे कलर्स के मामले में पिक्सल ज्यादा बेटर निकल के आता है। इवन डिटेल्स भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा बेटर फील हो रही है। वहीं एप्पल ने सैचुरेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है पीछे की तरफ पे, लेकिन वही मेन फोकस जो कि मेरे ऊपर था उसको इसने बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट करके दिखाया है। अब यहाँ पे इनका फ्रंट कैमरा का आउटपुट देख सकते हो, दोनों ही 4K 60 FPS तक फ्रंट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ खास ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ, दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोस वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे हल्का सा स्किन टोन का फर्क है वो आप डिसाइड कर सकते हो। अब अगर फ्रंट कैमरा की बात हो रही है तो आपको फ्रंट कैमरा में पिक्सल के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, जो ओवरऑल सेल्फी लेने का जो एरिया हो जाता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है एज कम्पेयर टू आईफोन 15। हालांकि पर्सनली मुझे पिक्सल थोड़ा सा ज्यादा बेटर फील हुआ, बाकी आप अपने व्यूज नीचे कमेंट कर सकते हो। तो भाई अगर दोनों के कैमरा कंपैरिजन की बात करूं और विनर की बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली विनर निकल के आ जाता है आईफोन 15। पिक्सल को भाई वीडियोस के मामले में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इवन अगर फोटोज की भी बात करूं तो वहां पे भी अगर कंसिस्टेंसी हमने जो देखी वो हमें ज्यादा अच्छी फील हुई आईफोन 15 के अंदर। डेफिनेटली ये डिवाइस केपेबल है ज्यादा बेटर फोटोज क्लिक करने के एज कम्पेयर टू आईफोन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोटोज में ज्यादा बेटर स्किन टोन, ज्यादा बेटर कलर्स प्रोवाइड करे पिक्सल ने। तो यस, अगर आपको नेचुरल कलर्स ज्यादा पसंद आते हैं तो पिक्सल आपके लिए हो जाता है, बाकी अगर आप वीडियो सेंट्रिक हो तो आईफोन ज्यादा बेटर हो जाता है उस केस में। तो गाइस यही था आज का हमारा वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन तक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं तब तक के लिए बाय बाय।